अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मौलाना शफीकुल्ला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शफीकुल्ला सोशल मीडिया। आज मेरी हाज़िरी गुजरात के एक बहुत बड़े वली की बारगाह में हो रही है, जिनको लोग बाबा गौर के नाम से जानते हैं और ये बाबा गौर के नाम से बहुत मशहूर भी हैं। हम आपको ये बता दें कि इनका असल नाम जो है हज़रत शेख नोबी मुबारक उर्फ गौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह है। ये अफ्रीका में एक जगह सूडान है, जिसको हफ्स के नाम से जाना जाता है। इनका ताल्लुक वहाँ से है। एक आशिक रसूल, एक सहाबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले से इनका नसब मिलता है। ये अफ़गानिस्तान से, ये अफ्रीका से चल करके ये गुजरात में एक जगह है भावनगर, आप वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, कुछ दिन आप भावनगर में रहते हैं, उसके बाद वहाँ से चल करके ये भरूच से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर एक जगह झगड़िया आता है, उससे कुछ दूरी पर एक जगह कस्बा है जो रतनपुर के नाम से मशहूर है, आप वहीं पर कयाम फरमाते हैं, आप वहीं पर रहते हैं। आपका उर्स मुबारक जो है ये 15 रजबुल मुरजब को होता है, और उसके ईद के दो दिन के बाद चश्मा, एक वहाँ पर चश्मा है बहुत करामती चश्मा कहा जाता है, तो उसमें ईद के दो दिन के बाद वहाँ पर एक मेला लगता है और उस चश्मे में नारियल डाला जाता है। लोग अपनी मन्नत और मुरादें जो होती हैं वह उसमें नारियल डालते हैं, तो जब पानी के अंदर चश्मे में जब वो नारियल डालते हैं तो वहाँ से दो, जब डालने के बाद वहाँ से दो नारियल निकलता है, तो उससे यह होता है कि आपकी मुराद पूरी हो जाएगी या हो पूरी हो गई या हो जाएगी, ऐसा है। और उसके बाद और एक बहुत करामत मशहूर जो है कि वहाँ पर जो आसिफ ज़्यादा हैं वो कैसा भी आसिब हो वहाँ पर जाने से आसिब वो है जो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर तीन मज़ार शरीफ है, एक तो जिस मज़ार शरीफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक जो आप देख रहे हैं, एक मज़ार शरीफ ये है, और एक जब यहाँ पर आने के लिए जो रास्ते में एक मज़ार शरीफ दाहिने हाथ में पड़ता है, एक मज़ार शरीफ वो है, और उसके बाद एक नीचे के रास्ते से जंगल की तरफ जाता है एक मज़ार शरीफ, वहाँ पर अभी है। तीन मज़ार शरीफ से मज़ार शरीफ यहाँ तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन ये तीन मज़ार जो है बहुत मशहूर है। तो ये जंगल की तरफ जो मज़ार शरीफ जाता है, यहाँ के बारे में मतलब बताया जाता है कि यहाँ पर रात में जो है शेर भी आता है हाज़िरी देने के लिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो शेर इस दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं उसमें शेर, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? चांद बाबू। अच्छा, आप यहाँ के मुसावर हैं? हाँ मुसावर जी। तो आप इनके ताल्लुक से कुछ बताइए, इनका नाम क्या है, बाबा का नाम? हजरत मुबारक नूजी उर्फ बाबा को। अच्छा, और ये आए कहाँ से थे? अफ्रीका सूडान। अच्छा, अफ्रीका सूडान। और इनका शिजर नसब जो है कहाँ से मिलता है? इनका शिजर नसब कहाँ से मिलता है, किसके किसके खानदान के हैं? वो पूरा शिजरा शरीफ है। हाँ, वो बाद में सबको यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा अच्छा, वो आपको। हाँ, ये मतलब हजरत पूरा। अच्छा, हाँ, ये शिजरा नसब है जो कि गुजराती में लिखा हुआ। हाँ, आपका परिचय। हाँ।